Ladies and gentlemen, welcome to the 6th HUM Award. ये क्या बात हुई? शमा की बात चल रही है ना, मेरा जिक्र कहाँ से बीच में आ गया? क्यों? तुम्हें सारी उम्र घर में बिठा के रखा है मैंने। अच्छी बात है, हाथों हाथ तुम्हारे भी हो जाए ताकि मैं भी कुछ सुख का सांस ले सकूं। बेटा मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ आंटी आपको। अरे आंटी संभाले आपको, क्या हो गया आंटी? संभाले आंटी। मेरे फिर ये है उजाला, शमा की बहन। अच्छा तो ये है आपकी दूसरी बेटी? जी जी। मैं तो शमा की तस्वीर देखकर आई थी कि आपकी दूसरी बेटी भी शमा की तरह होगी, लेकिन क्या कह रही हो रिफल? उजाला बहुत पढ़ी लिखी और सुघड़ बच्ची है। मुझे नहीं करनी, मुझे अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए। चले क्या हो गया रिफल तुम्हें? नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे आप बैठे ना, बैठ कर बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी की मिन्नतें करने की, आप तो तशरीफ ले जा सकते हैं यहाँ से। प्लीज जा रहे जा रहे, मिजाज तो देखो इस मोहतरमा के। रिफत नहीं, रिफत तुम्हें क्या हो गया? बात में सुन ले, मिसे शामी है, देखे इनको। ये रिफत, रिफत क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात तो सुनो। वो अम्मा क्यों परेशान खड़ी हैं? ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है उजाला पे? एक रिश्ते वाले ही तो मना करके गए। दिल टूटा है मेरी बच्ची का। तुम्हें कुछ एहसास है अपनी बहन का? एहसास था ना, मैं तभी उस वक्त मना किया था आपको, क्योंकि मुझे तो पता था यही होना है, मगर आप में मेरे हमपला ससुराल ढूंढने का उजाला का भूत जो सवार था, भुगते। मैंने सोचा मॉडर्न लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़की। कुछ फहमी थी आपकी, आजकल देखने वाले कोई पढ़ाई लिखाई नहीं देखते, सब शक्ल सूरत ही देखते हैं, जिनमें आपकी उजाला तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही है। अच्छा अच्छा फजूल बातें मत करो, जाओ जाकर बहन को देखो। देखो खुद जाके देखे, मुझे कोई शौक नहीं किसी 1970 की हीरोइन के आंसू पोंछने का, ये फर्ज आप ही जाके अंजाम दें। चले जो कभी तुमने मेरी कोई बात मानी हो, हट पीछे जाए जाए। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कह रहे थे कि आप हालत बेहतर है, मेडिसिन दी उन्होंने। शुक्र है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। हरीन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, और अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। तो चलो मॉम के पास चलते हैं। ओके। अच्छा तो ये है आपकी दूसरी बेटी? मैं तो शमा की तस्वीर देख कर आई थी कि आपकी दूसरी बेटी भी शमा की तरह होगी, लेकिन मुझे नहीं करनी, मुझे अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए। चले अनसर्टिंग रवैया था उनका, और सिर्फ इस वजह से कि मेरा रंग शमा की तरह नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी, एजुकेशन, जहानत, इखलाक, सबका कोई मोल नहीं है। जाला क्या हुआ बेटा, आप इतनी परेशान क्यों हो? अल्लाह और अच्छा रिश्ता दे देगा। उस रिश्ते के लिए नहीं परेशान हूँ अम्मा। तो फिर क्यों परेशान हो? आपने देखा नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। बस बेटा लोगों ने खुद ही अजीब से दस्तूर बना लिए हुए हैं। आप भी तो ऐसी करती हैं, तो हमेशा शमा को फौकियत देती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, बस कभी अनजाने में ऐसा हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकती। मेहरा मैं आपको बताती हूँ, अब मुझसे ये फजूल शादीवादी की बात मत करिएगा प्लीज।
और अगर आपने आइंदा ऐसी कोई बात करी ना, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। खुश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ी देर कर दी काम से आते हुए। वो काम में लगा रहा, वक्त का पता ही नहीं चला। खाने में है कुछ? हाँ, तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। क्या पका? कीमा भुना है, तुझे पसंद है ना? पसंद तो मुझे कोई और भी था अम्मा, लेकिन वो काम तो आप नहीं कर सके। तू दिल क्यों छोटा करता है? तू देखना, तेरे लिए बड़ी हसीन बीवी लाऊंगी। बल्कि आज रिश्ते वाली आई थी, कुछ तस्वीरें दिखाई है, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ कुछ तस्वीरें। आपसे कहा था ना, क्षमा नहीं तो कोई और भी नहीं। ये लड़का तो पागल ही होता जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। सोच रास्ता क्या करूं। सुनो सुनो, क्या है, क्यों पीछा कर रहा है मेरा? बात करना चाहता हूं तुमसे। ना मैं तेरी बात क्यों सुनूं, मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूं। जान जाएगी, इतनी भी क्या जल्दी है? कोई जरूरत नहीं है मुझे अजनबियों को जानने की। सारी बातें यहीं कर लूंगी क्या? चलो कहीं चलकर बैठकर बात करते हैं। शक्ल से तो तू अच्छे घर का लगता है, सुन लेती हूँ तेरी बात, तू भी क्या याद रखेगा। ये हुई ना बात, चलो। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जो भी बोलना 5 मिनट में बोलना। हाँ सही है। बस यार मैं भी बहुत डिसहार्ट हुई हूँ। यार ऐसे कैसे, कितने जाहिल लोग हैं। अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो इनकार करने के और भी तरीके थे। इतना आसान नहीं होता यार इग्नोर करना। अच्छा अच्छा, सारी चीजों को छोड़ो, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हारी तबरेज से कोई बात हुई? प्लीज यार, मैं भी एक प्रपोजल के आफ्टर शॉक से ही नहीं समझी, और तुम नई कहानियां सुनना चाह रही हो मुझसे? सीरियसली, मुझे लगता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई ना कोई बात तो है। जो भी है, मेरे सर में अभी बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस तरह की बातें करना तो क्या अभी सुनना भी नहीं चाहती हूँ। चलो ओके, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ओफो मिसेस फराज सर, आप तो एक दिन में इतना कमजोर हो गई, आखिर हुआ क्या था? नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। डॉक्टर्स कह रहे हैं ठीक हो जाएगी तबीयत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस्लामाबाद से जो मुझे पहली फ्लाइट मिली मैं फौरन चली आई। रीम ने जब से मुझे बताया, यकीन कर मुझे तो सुकून नहीं मिल रहा था। मॉम थोड़ी देर के लिए मैं घर चली जाऊँ? हाँ बेटा तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तबरेज बेटा तुम छोड़ो रीम को, सुबह से यहाँ मेरे साथ है, थक गई होगी। अच्छा चले आप। ओके देन, टेक केयर, चलें। आप किन सोचों में गुम हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि कल रात शमा का निकाह है, सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए, अल्लाह हमारी सफेद पोशी का भरम रख ले। इंशाल्लाह सब हो जाएगा, जलाल कर रहा है ना सारे इंतजामात, आप फिक्र ना करें। इसी बात की तो फिक्र है कि जलाल कर रहा है, उसने कभी कोई काम ढंग से किया? ओहो संभाल तो रहा है, आज भी गया हुआ था कुछ काम करने, और वैसे भी इतना बड़ा फंक्शन नहीं है कि वो ना संभाल सके, 10-12 लोग होने हैं मुश्किल से। और एक बात बताओ, ये तुमने उजाला के सिलसिले में क्या बात छेड़ दी, ये कौन औरतें आई हुई थी? खामखा मुंह उठा कर आ जाती हैं। मैं तो चाह रही थी कि उसका भी साथ में अच्छी जगह हो जाए। देखो पहले एक बेटी तो ठीक तरह अपने ससुराल चली जाए, उसके बाद दूसरी का भी सोच लेंगे। अच्छा भाई गलती हो गई ना, छोड़ दें इस बात को। अब ये बताएं मुझे कि लिस्ट बना रहे हैं आप जो अपने मेहमान बुलाने हैं? ये अच्छा याद दिलाया तुमने, वो अपना राजदा भाभी और तैमूर को तुम खुद रुका देने जाना। मैं नहीं जा रही अपनी बेइज्जती कराने, अगर आपको इतना शौक है ना तो खुद चले जाए। मैं मौके की नजाकत को समझा करूँ, मैं खुद नहीं जा रही तो वो फिर बी हलीमा से कहना कि वो दे आएंगी और मिठाई साथ भेज देना। हाँ ये ठीक रहेगा,
अच्छा चलो अब मेरे लिए कुछ चाय बना के लाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आपको क्या जरूरत थी मिठाई लेने की? अरे वो खुद थोड़ी देने आए थे, हलीमा के हाथ भेज दी। अब मैं हलीमा को बोलती अच्छी लगती हूँ। ये चाचा ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ है? और आपके तावीज भी किसी काम के नहीं निकले। इसे मुझे समझ नहीं आ रही ये बाबा के तावीजों को क्या हुआ। मगर तू परेशान मत हो, तू देख अभी मैं जाकर ना उनसे पूछूंगी कि उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया कैसे ऐसे। आप नहीं मैं जाऊंगा, मैं चाचा से जाके खुद पूछूंगा कि शादी निकाह तय मेरे साथ किया और कर किसी और के साथ रहे। मामला हो गया क्या? कोई जरूरत नहीं तुझे जाने की, खुद जाऊंगी मैं। अम्मा ने किया था ये रिश्ता, अम्मा की बात का भी लिहाज नहीं रखा। तू देख अभी थोड़ी देर में जाकर वो करूंगी कि तू याद रखेगा। और हाँ मेरी बात सुन, तूने नहीं जाना कहा ना, तू यहीं रहेगा। अच्छा नहीं जाता। ठीक किया मेरे साथ शमा, घूमी फिरी तुम मेरे साथ और निकाह किसी और के साथ करोगी। ये पकड़ो अपनी मिठाई, क्या सोचकर भेजी थी मेरे घर में? आए बैठे तो सही, और गुस्सा किस बात का इतना? मुझे समझ नहीं आती, तुम लोगों ने हमें तकलीफ देने का ठेका उठा रखा है। पहले तैमूर और शमा का रिश्ता तोड़ दिया, फिर वो क्या मंगनी का शोशा छोड़ा, और अब ये निकाह। बचपन की फजूल बात को आप बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रही हैं भाभी। सास अम्मा ने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, तैमूर और शमा का रिश्ता तय नहीं हुआ था। हाँ थाई अब आए ना बैठ के बात करते हैं। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है ना यहाँ बिठा के रखने की, बाहर का रास्ता दिखाइए। और ये जो तमाशा आप यहाँ कर रही है ना, अपने घर जाके दिखाइए। भाई कितनी जुबान है तुम्हारी लड़की की, ये तरबियत दी है तुमने? शमा अंदर जाओ, अंदर जाओ। भाभी आप बैठे तो सही, बैठकर बात करते। बस रहने दो ये दिखावा। मैं तो चाहती थी कि तैमूर का रिश्ता यहाँ हो जाए तो खानदान जुड़ा रहे, मगर तुम दोनों मियाँ बीवी की आंखों पर तो दौलत की पट्टी बन गई है। भाभी ऐसी क्या बात है, आप तैमूर का रिश्ता उजाला से कर दे। आए मुझे किसी बावले कुत्ते ने काटा है क्या? सारी उम्र मेरे बेटे को इसके पीछे लगा कर रखा, अब कहती हूँ इसको ले जाऊं? इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। वैसे ये तो कोई लतीफा ही हो गया, तुम और तैमूर। वैसे कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक ही है, तुम्हारे लिए तो ठीक ही है। अगर इतना ही अच्छा था तो तुमने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वो मेरे काबिल कहाँ था, मैं तो किसी महल जैसे घर में राज करने के लिए पैदा हुई। अलबत्ता तुम्हारे लिए ठीक था वो। इतना ऊंचा मत उड़ो शमा, शोर से जमीन पे आके रुकी तुम। तुम्हारे जैसे लोग जब कुछ कर नहीं पाते तो बदुआ पे तराते हैं। बहरहाल मेरा तो आज इस धर्मे में आखिरी दिन है, कुछ घंटों बाद में यहाँ से फुर होने वाली। शमा, शमा। जी अम्मा। शमा बेटा तुम्हारी सास ने कार भेजी है पार्लर जाने के लिए, तुम जाओ शाबाश, और उजाला बहन के साथ जाओ। उठो ये रखे इसे अपने पास, सोग मनाना इसने भी बैठ के। और वैसे भी अम्मा मुझे शादी वाले दिन अपने घर में कोई नहुसियत नहीं चाहिए, खुद चली जाऊंगी मैं। उजाला क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मा, कभी नहीं समझेंगी, छोड़। ओहो एक तो तुम छोटी छोटी बातें दिल को लगा लेती हो, दूसरों की बातों में ध्यान मत दिया करो। तकलीफ लोगों की बातों से नहीं होती अम्मा, अपनों के फेंके गए पत्थरों की होती है। Thank you.
अरे आज तो तबड़ नहीं लग गई हो तो बड़ू मुझे मेरा बात सुन। एक मिनट मैं आती जी। ये जलाल कहाँ है? वो खाने का देखने गया था। नहीं कोई वक्त है खाने का देखने के लिए? यहाँ सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं निकाह के लिए। वो निकाह हाँ इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गया वो? ये आ जाएगा, आज का दिन तो कम से कम गुस्सा ना। देर हो रही है, चले निकाह शुरू कराते हैं। सर मैं अपने बेटे जलाल का इंतजार कर रहा था, वो आने वाला है। वैसे कभी मुलाकात नहीं हुई आपके बेटे से, कहाँ होता है वो? बस इत्तफाक की बात है, असल में उसने अपना काम शुरू किया है ना, तो उसमें मसरूफ रहता है। हाँ, बिल्कुल। अरे ले, देखें आ गया। हाँ, आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम? Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Zameer. Go grab your tickets for Pravasi Junoon, which is coming out this Eid ul Azha. तुम यहाँ? क्या हुआ? क्या बात? ये आपका बेटा है? जी ये मेरा ही बेटा जलाल है। तो अब ये निकाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सावली